रमाबाई को डॉक्टर अंबेडकर का दिल छू लेने वाला ऐतिहासिक पत्र। रमा, कैसी हो रमा? तुम तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास है। पिछले कुछ दिनों से मेरे भाषण काफी चर्चा में रहे। कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छे और प्रभावी भाषण हुए। ऐसा मेरे भाषणों के बारे में यहाँ के अखबारों ने लिखा है। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी भूमिका के विषय पर मैं सोच रहा था और आंखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ित जनों का चित्र उभर आया। पीड़ा के पहाड़ तले ये लोग हजारों सालों से दबे हुए हैं। इस दबेपन का कोई इलाज नहीं है, ऐसा ही वे समझते हैं। मैं हैरान हो रहा हूं रमा, पर मैं लड़ रहा हूं। मेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। हृदय बहुत ही भावप्रवण हो गया है, मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सब की बहुत याद आई। तुम्हारी याद आई, यशवंत की याद आई। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। तुम मुझे पहुंचाने आई थी। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यह सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, कृतार्थता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु तुम्हारी आंखें, जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था, सब बोल रही थी। तुम्हारा मौन शब्दों से भी कहीं ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों तक आकर टकरा रही थी। होठों से निकले शब्दों की भाषा की बजाय आंखों की आंसुओं की भाषा ही तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ कर आए थे। और अब यहां लंदन में इस सुबह बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। कैसी हो रमा तुम? हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है वो? उसकी संधिवात की बीमारी कैसी है? उसको संभालो रमा। हमारे चार बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब है तो सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारे मातृत्व का आधार है, उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रखना रमा, यशवंत को खूब पढ़ाना, उसे रात को पढ़ने उठाती रहना। मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ने के लिए उठाया करते थे, तब तक वे जगते रहते थे। मुझे यह अनुशासन उन्होंने ही सिखाया। मैं उठकर पढ़ने बैठ जाऊं तब वे सोते थे। पहले पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात को उठने पर बहुत ही आलस लगता था, तब पढ़ाई से भी ज्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चलकर तो जिंदगी भर के लिए नींद से अधिक पढ़ाई ही अहम लगने लगी। इसका सबसे ज्यादा श्रेय मेरे बाबा को जाता है। मेरी पढ़ाई की लौ जलती रहे, इसीलिए मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहे थे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, अंधेरे को उजाला बनाया। मेरे बाबा के श्रम के फल अब मिल रहे हैं। बहुत खुशी होती है रमा आज। रमा, यशवंत को भी ऐसी ही पढ़ाई की लगन लगनी चाहिए। किताबों के लिए उसके मन में उत्कट इच्छा जगानी होगी। रमा, अमीरी ऐश्वर्य यह चीजें किसी काम की नहीं। तुम अपने इर्द गिर्द देखती ही हो, लोग ऐसी ही चीजों के पीछे हमेशा से लगे हुए रहते हैं। उनकी जिंदगियां जहां से शुरू होती हैं वहीं पर ठहर जाती हैं। इन लोगों की जिंदगी जगह बदल नहीं पाती। हमारा काम ऐसी जिंदगी जीने से नहीं चलेगा रमा। हमारे पास सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। दरिद्रता, गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं है। अपमान, छलावा, अवहेलना, यही चीजें हमारे साथ छांव जैसी बनी हुई हैं। सिर्फ अंधेरा ही है,
दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्योदय हमको ही होना होगा रमा, हमें ही अपना मार्ग बनना है। उस मार्ग पर दियों की माला भी हमें ही बनानी है, उस रास्ते पर जीत का सफर भी हमें ही तय करना है। हमारी कोई दुनिया नहीं है, अपनी दुनिया हमें ही बनानी होगी। हम ऐसे ही हैं रमा, इसीलिए कहता हूं कि यशवंत को खूब पढ़ाना, उसके कपड़ों के बारे में फिक्रमंद रहना, उसको समझाना बुझाना, यशवंत के मन में ललक पैदा करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यशवंत की याद आती है। मैं समझता नहीं हूं, ऐसा नहीं है रमा, मैं समझता हूं कि तुम इस आग में जल रही हो, पत्ते टूटकर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए, ऐसी ही तू होने लगी है। पर रमा मैं क्या करूं, एक तरफ से पीठ पीछे पड़ी दरिद्रता और दूसरी तरफ मेरी जिद और लिया हुआ दृढ़ संकल्प, संकल्प ज्ञान का। मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूं, मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम यहां मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो, इसलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूं। सच कहूं रमा, मैं निर्दयी नहीं, परंतु जिद के पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूं। किसी ने पुकारा तो भी यातनाएं होती हैं, मेरे मन को खरोंच पड़ती है और मेरा गुस्सा भड़कता है। मेरे पास भी हृदय है रमा, मैं तड़पता हूं, पर मैं बंध चुका हूं क्रांति से, इसलिए मुझे खुद की भावनाएं चिता पर चढ़ानी पड़ती हैं। उसकी आंच तुम्हारे और यशवंत तक भी कभी कभी पहुंचती हैं, यह सच है, पर इस बार रमा मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूं और दाएं हाथ से उमड़ाए आंसू पोंछ रहा हूं। पतले को संभालना रमा, उसे पीटना मत, मैंने उसे पीटा था, इसकी कभी उसे याद भी नहीं दिलाना, वही तुम्हारे कलेजे का इकलौता टुकड़ा है। इंसान की धार्मिक गुलामी का, आर्थिक और सामाजिक ऊंच नीचता एवं मानसिक गुलामी का पता मुझे ढूंढना है। इंसान के जीवन में ये बातें अड़िग बनकर बैठी हैं, उनको पूरी तरह से जला दफना देना चाहिए, समाज की यादों से और संस्कार से भी यह चीजें खत्म कर देने की जरूरत है। रमा तुम यह पत्र पढ़ रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, गला भर आया है, तुम्हारा दिल थरथरा रहा है, होठ कांप रहे हैं, मन में उमड़े हुए शब्द होठों तलक चलकर भी नहीं आ सकते, इतनी तुम व्याकुल हो गई हो। रमा तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो, तुम मन साथी के रूप में ना मिली होती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती, आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना और गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना, या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा, चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा, घर के चीथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना, इतना ही नहीं एक माचिस में पूरा माह निकालना है, इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना है। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता, मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता, मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ के ही रह जाता, सब दुखमय हो जाता, मैं शायद बौना पौधा ही बना रहता। संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझे,
जल्द ही आने के लिए निकलूंगा, फिक्र मत करना, सबको कुशल कहना, तुम्हारा भीमराव। लंदन 30 दिसंबर 1930। प्रोफेसर यशवंत मनोहर की मराठी पुस्तक रमाई से साभार।